नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान से मैं भी यही कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। पर दोस्तों, अपने इस भाई को प्यार जरूर देते रहें, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं हो तो समझ में आएगा नहीं पूरा अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं कोई कॉमेडी वगैरह तो दिखा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ जागृत करना चाहता हूँ कि लोग जागें, उठें, अपना अधिकार मांगें। दोस्तों, आज मैं जिस रहस्य का खुलासा करूँगा, दिखाना तो इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, परंतु दोस्तों अगर आप लोग जाएंगे वहाँ तो ज़रूर अपनी आँखों से साक्षात देख लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ शिरडी, शिरडी साईं बाबा। दोस्तों, रात के 9 बजे जैसे ही 9 बजते हैं, जहाँ से बाईपास शुरू होता है, पुलिस वहाँ बैरियर लगा देती है और ट्रकों को अंदर नहीं जाने देती, अंदर के रास्ते, जबकि नो एंट्री खुल जाता है 9 बजे। वो लोग क्या करते हैं, हर गाड़ियों से 100 रुपया ले के फिर जाने देते हैं। अब दोस्तों बताइए, इसमें कौन है जिम्मेदार? सरकार क्या ऐसा करवाती है क्या, महाराष्ट्र की सरकार? भाई मुझे तो पता नहीं, या कोई एमपी एमएलए करवाता है या खुद करते हैं ये लोग। आखिर ये सरेआम कैसे लूट रहे हैं? कुछ तो, कोई तो है इनके पीछे, किसी का हाथ तो है। और इस देश की पब्लिक देखो, जब अपना जाता है तब चिल्लाती है, पब्लिक आती है जाती रहती है, पब्लिक कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं कहता, कोई मतलब नहीं किसी से, क्योंकि भैया जब तक अपने आप पर नहीं बीतेगी तब तक हम क्यों आवाज़ उठाएँगे। जब अपनी पर बीतेगी, अपने दर्द होगा, तब हम चिल्लाएंगे, तो भैया तब चिल्लाओगे तो कोई दौड़ने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा आपको। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जागृत हो हर कोई, क्योंकि दूसरा टाइम आ गया। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे भाई? दरअसल दोस्तों, ट्रकों से इस तरह वसूली होती है महाराष्ट्र के शिरडी में। रात 9 बजे नो एंट्री खुल जाता है, फिर भी पुलिस वाले खड़े होकर हर गाड़ियों से 100-100 रुपया वसूली करते हैं। अगर आप 100 रुपया दोगे तो आपको सीधा जाने देंगे। इसका रीज़न ये है कि बाईपास थोड़ा सा लंबा पड़ता है, अभी तो फिलहाल बन गया और ख़राब भी था, और पता नहीं कैसा क्या भ्रम है, लोग डरते भी हैं बाईपास में जाने से, कहते हैं वो चोरी वगैरह का थोड़ा रिस्क रहता। अब क्या सच है इतना तो नहीं पता है, क्योंकि मैं भी जाता था, मैं तो बाईपास से ही निकल जाता था, क्योंकि मुझे 100 रुपया देना उचित नहीं समझ में आता था। मैं क्यों दूं भाई हराम का पैसा तुम्हें, कहीं और दूं तो ठीक है, हराम का तुम्हें क्यों दूं, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है कि मुझसे बातें बर्दाश्त नहीं होती, मैं वो आदमी हूँ, मैं गलत करता नहीं हूँ और गलत मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन क्या है कभी कभी मजबूरी है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं इसलिए आज तक ऐसा आपने किसी को नहीं देखा होगा यूट्यूब में वीडियो बनाते हुए। तो दोस्तों, अगर जो भी आदमी शिरडी जाता है तो एक बार ज़रूर इस चीज़ पे नज़र डाले, उसे साक्षात दिखाई देगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कोई चीज़ फेंक नहीं बताता दोस्तों, मैं जितना चीज़ बताता हूँ आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि मैं सच बोलता हूँ या बस वैसे ही बोल देता हूँ। मैं वैसे नहीं बोलता हूँ दोस्तों, सच्चाई रहती है उसमें, 100% मैं सच बोलता हूँ। मैं ट्रोल भी नहीं करता किसी को, ऐसा नहीं मैं ट्रोल करूं किसी को, पर सच्चाई रहती। नहीं तो जो भी शिरडी के आसपास हैं भाई, वीडियो देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये बात सच है कि झूठ है, उन्होंने देखा है कि नहीं। या जो भी टूरिस्ट होंगे, मान लो और कहीं के हैं भाई और कभी आए जाएं दोबारा, तो ज़रूर इस बात पर ध्यान दें, बाईपास जहाँ से शुरू होता है सिटी के दोनों तरफ, आप वहीं 9 बजे चले जाओ और बस 5 मिनट खड़े होकर देख लो, गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, 100-100 रुपया दे, नहीं तो बाईपास में घूम, ये सिस्टम चलता है। मेरे कहने का मतलब ये बंद होना चाहिए, ये क्या है, ये भ्रष्टाचार है, करप्शन है भैया, और हम नहीं लड़ेंगे करप्शन के खिलाफ तो कौन लड़ेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब, मैं तो ये जानता हूँ भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं ये सब बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप लोग देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। और दोस्तों, ये करेगा कौन, एक बात बताओ,
हम आप जब जागृत होंगे, हम आप जब खड़े होंगे, तभी तो अभी एकदम सरेआम लूट होती है ट्रकों से। अगर पब्लिक चाहे तो रोक नहीं सकती। बड़े बड़े अच्छे अच्छे बताते हैं कि मेरी तो ये पोजीशन है, वो पोजीशन है, लेकिन कोई नहीं रोकता। अब इसमें कौन ऐसा आदमी है, किसका हाथ है, ये तो समझ के बाहर है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। जो भी ड्राइवर भाई देख रहे हैं उनको पता होगा। और दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखा करो, तब समझ में आएगा। आधा अधूरा देख के छोड़ दोगे, आपके समझ में कुछ आएगा नहीं, फिर बोलोगे बकवास है, क्योंकि ये कॉमेडी शो तो है नहीं। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। मैं ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ, मेरा ब्लॉग का ये चैनल है। और ब्लॉग पे मैं तो पहला तो करप्शन के खिलाफ हूँ, ऐसा कोई मामला देखूँगा तुरंत डालूँगा। बाकी रोड का और सब का वीडियो तो डालता ही रहूँगा। अभी मैं घर पे हूँ, दो दिन में फिर चलेंगे ड्यूटी पे दूसरी जगह, तो आपको हम बताएंगे, रास्ता भी दिखाएंगे और क्या क्या रास्ते में है, कैसा रोड है, कहाँ क्या सिस्टम है, सब दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर वीडियो देखेंगे तो संकल्प करेंगे कि हम भी भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। भैया ये देश हमारा है, आपका है, कोई लुटेरे क्यों, ये लुटेरे कहाँ, इनको देश से भगाना है हमको। आपको ईमानदारी से रहना है और एक नया माहौल क्रिएट करना है, ईमानदार वाला माहौल, ऐसा माहौल क्रिएट करना है हम लोगों को। तो ये सबका फर्ज है और सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी की, एक आदमी नहीं लड़ सकता भाई किसी से। इसलिए आप लोग जागृत होइए और आशा करता हूँ कि आप लोग जागृत होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।